नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज यानी 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। आज पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है। 5 अगस्त दोपहर 12 बजे के बाद भूमि पूजन की शुरुआत होगी। राम मंदिर की स्थापना को लेकर बहुत सालों से विवाद चलते आ रहे हैं। तो आइए पहले तो हम राम मंदिर का पूरा इतिहास जानते हैं कि इन सब की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो दोस्तों वीडियो को पूरी एंड तक देखना। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। करीब 102 ईसा पूर्व पहले चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य ने आखिरी बार भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत कर दी थी और उसके 2 सालों के बाद यानी 1528 में राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। फिर बात आती है 1857 की। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह एक शिया थे और ये हनुमान जी को भी मानते थे, लेकिन जो सुन्नी लोग थे उन्हें ये इस बात का विरोध किया, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और वो चाहते थे कि हनुमानगढ़ी इलाके में वो नवाज पड़े। इस वजह से वाजिद अली शाह और सुन्नी मुसलमानों के बीच विवाद खड़ा हो गया। और आपको बता दूं कि 1857 तक अंग्रेजों का आगमन भी भारत में हो चुका था। वाजिद अली शाह ने अंग्रेजों से इस विवाद को बिना किसी खून खराबे के ख़त्म करने की मदद मांगी और यहीं पर वो चूक गए। अंग्रेजों का तो मकसद ही यही था कि वो भारतीयों के विवादों में घुसे और उनमें फूट डलवाए, और आगे चलकर यही हुआ। ब्रिटिश शासन ने भारत पर कब्जा कर लिया, उन्हीं के कानून हर जगह चलने लगे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बाबरी मस्जिद और हनुमानगढ़ी इलाके के बीच में एक दीवार बना दी और कहा कि हिंदू अपनी जगह रहेंगे और मुसलमान अपनी जगह। और फिर 92 सालों के बाद यानी 1949 में भारत एक आज़ाद देश बन चुका था। वहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई और फिर 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने मुकदमा दर्ज करवा दिया राम मंदिर को लेकर, और 1980 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी उसमें शामिल होकर ये बता दिया कि हम सब एक ही चीज़ के पीछे लड़ेंगे। तो आज के दिन दोपहर 12 बजे के बाद भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। ये हमें 1951 के सोमनाथ मंदिर की स्थापना की भी याद दिलाता है। सोमनाथ मंदिर की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके कुछ साथियों ने मिलकर की थी, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये बात पसंद नहीं आई थी और सोमनाथ मंदिर की स्थापना को लेकर कई सारे विवाद खड़े हुए थे। तो आज अयोध्या को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। आप एक बार इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, ऐसा लगेगा कि जैसे खुद श्री राम यहाँ पर पधारने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:30 बजे अयोध्या पधारेंगे और करीब 2:20 तक वहाँ रहेंगे। पीएम की सिक्योरिटी को लेकर कोई ढील नहीं बरती गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या सिर्फ पीएम की सिक्योरिटी देखने के लिए आए थे। तो दोस्तों हम सब बहुत खुश नसीब है कि आज हम ये सब देखने वाले अपनी आंखों से। स्थापना को आज हम अपनी आंखों से देखेंगे, लाइव टीवी पर देखेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सब धर्म अपनी जगह सही है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है जो हम सबको मानना चाहिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।